नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, आंदोलन करने वालों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश व गुजरात में किसानों व देश के किसानों से बात की है। सरकार किसानों की हितैषी है। छोटे छोटे किसानों को 12 करोड़ किसान के खाते में 90,000 करोड़ देने का काम किया है। आंदोलन की शुरुआत में किसानों से MSP समाप्त व मंडियां बंद होने की बात भी की। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि MSP समाप्त नहीं होगी, ना ही मंडियां बंद होंगी। पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना मुनाफा 60,000 करोड़ MSP पर सरकार ने खरीदारी की है। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाक की खास रिपोर्ट। निश्चित तौर से आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कल मध्य प्रदेश के किसानों से, गुजरात के किसानों से, देश के किसानों से बात करके और इस सरकार का किसानों के प्रति जो कदम उठाए गए, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया छोटे छोटे काश्तकारों को, 12 करोड़ लोगों को 90,000 करोड़ देने का काम किया है, इससे बड़ी कोई सरकार किसान हितैषी हो सकती है? जो आंदोलन आज कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। शुरू में इस आंदोलन में किसानों के संगठनों ने कौन सी मांग उठाई थी कि इस विधेयक के पास होने के बाद MSP समाप्त हो जाएगी, मंडी समितियाँ खत्म हो जाएंगी और किसानों की ज़मीन पर कब्जा कॉर्पोरेट हाउस का हो जाएगा। इस पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम MSP जारी रखेंगे और पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा 60,000 करोड़ की पंजाब में MSP में खरीद हुई है, तो MSP जारी है, जारी रहेगी।